मैं तैयार हूँ कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते। पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे। दो तीन इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। ओ भाई हेलो, जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखिएगा। सही बात है ना? मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक हाँ छीना, तो सबसे पहले मुझे बताइए ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रोनल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.